welcome students today we are going to study second poem of our textbook and second poem is the true beauty composed by thomas carey this poem is a lyric geet in this poem the poet differentiate between spiritual beauty and physical beauty. Spiritual beauty means the beauty of mind and soul, and physical beauty means outer beauty. In the poem, the poet says that physical beauty decays with the passage of time.

और स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी आत्मिक सुंदरता यानी गुणों की सुंदरता ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर इन दोनों के बीच में तुलना करता है दोनों के अंतर को दिखाता है और पोएट इस पोएम में बताता है कि किस प्रकार जो फिजिकल ब्यूटी होती है जो शारीरिक सुंदरता पर आधारित जो प्रेम होता है किस प्रकार समय के साथ जो है वो खत्म हो जाता है लेकिन उसके ठीक उल्टे जो गुणों पर आधारित जो प्रेम होता है जो आत्मिक प्रेम होता है वो हमेशा जीवित रहता है अस्थाई आता है तो ये पोएम के थीम है अब हम लोग इस पोएम को अब डिटेल में स्टडी करेंगे लेट्स द टेक्स्ट He that loves a rosy cheek, or coral lip admires, or from star like eyes does seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, आई despise lovely cheeks, आर lips, आर eyes। ये टेक्स्ट था हमारा अब टेक्स्ट के बाद इसको लाइन बाय लाइन समझते हुए चलते हैं समझान कि कैसे क्या इसमें पोइट क्या बात कह रहा है दो स्टेंजा है बहुत ही क्लियरली विजिबल है दो स्टेंजा है फर्स्ट स्टेंजा में पोइट जो है वो फिजिकल ब्यूटी की बात कर रहा है और सेकेंड जो स्टेंजा है उसमें वो स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात कर रहा है ही दैट लव्स अरोजी चीक आर कोरलिप एडमाय दैट लवस अरोजी चीक कर ही वह व्यक्ति कोई भी व्यक्ति दैट loves जो कि प्रेम करता है रोजी चीख यहां पर पोएट क्या कर रहा है रोजी चीख रोजी चीख रोजी मतलब रोज गुलाब के जैसा चीख मतलब होते हैं गाल कि वह व्यक्ति जो किसी औरत से केवल इसलिए प्रेम करता है कि उसके जो गाल हैं वो गुलाबों जैसे हैं कि गाल जो है उसके गुलाबी एक हैं और कोरल लिप एडमायर्स और कोरल लिप एडमायर्स मानी प्रशंसा करना या कोई पुरुष जो है स्त्री की ओर इसलिए आकर्षित होता है क्योंकि उसके जो लिप हैं वो कैसे हैं कोरल लिप कोरल मतलब होता है मूंगा मूंगा जो एक पत्थर है डा, डार्क रेड जैसा कि कि जिसके लिप हों यानी जिस औरत के लिप हों यानी होठ हों वो एकदम मूँगे जैसे लाल हों यानी पोएट इन पहले दो लाइन्स में कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी औरत से केवल इसलिए प्रेम अगर करता है क्योंकि उसके गाल जो हैं वो गुलाबी हैं और उसके जो होठ हैं एकदम मूँगे जैसे लाल हैं सुंदर है अगर वो इन सुंदरता पर मोहित होकर अगर किसी स्त्री से किसी औरत से अगर प्रेम करता है और फ्राम स्टार लाइक आइज डत सीख फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स और फ्राम स्टार लाइक यहाँ पर पोइट ने यूज़ किया है वर्ड स्टार लाइक आइज या उस स्त्री की आँखें कैसी हैं स्टार लाइक -like, तारों जैसी चमकीली हैं डीख ड मतलब डथ यानी डज सीख मतलब अगर चाहता है फ्यूल टू मेंटेन हिज फायरस फ्यूल फ्यूल हो गया ईंधन ईंधन यानी कि जो भी लकड़ी है जैसे आग जलाने के फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर कि अपनी आग को मेनटेन करने के लिए उसे फ्यूल की जरूरत होती है यानी यहाँ पर अर्थ है कि फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर फायर मतलब अपना प्रेम यानी कि जिस व्यक्ति का प्रेम का जो ईंधन क्या है कि गाल गुलाबी हो या होठ जो है उसके मुँह जैसे हों या उसकी आंखें जो हैं सितारों जैसी चमकदार हैं जिसके प्रेम रूपी आग इस तरह के ईंधन पर निर्भर है उसके क्या होगा कह रहा है एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डे एज ओल्ड टाइम जैसे जैसे समय बीतता है समय व्यतीत हो जाता है मेक दिस डे दीज डीके माने नष्ट होना खत्म होना दीज माने ये ख़त्म होती हैं ये क्या ख़त्म होती हैं यानी कि रोजी चीख जब ख़त्म हो जाते हैं समय बीतने के साथ उम्र बढ़ने के साथ न कोरल लिप ही रह जाता है न आँखें जो हैं सितारों जैसी चमकदार रह जाती हैं तो ये सब समय बढ़ने के साथ ये सब चीज़ें खत्म होती हैं तो इसका असर क्या होता है सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे तो उसकी जो फ्लेम्स है उसकी जो आग है उसकी प्रेम रूपी आग है यानी उसका जो प्रेम है वेस्ट अवे वो प्रेम भी खत्म हो जाता है यानी कि पोएट यहाँ पर कह रहा है कि जो लोग केवल किसी स्त्री के बाहरी सुंदरता से प्रेरित होकर केवल उसके शारीरिक सुंदरता से प्रेरित होकर उससे प्रेम करते हैं और उनका प्रेम इसी बात पर निर्भर रहता है कि उनका जो प्रेमी है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है आकर्षक है तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ये जो सुंदरता है जो भौतिक सुंदरताएं हैं जो बाहरी आवरण की सुंदरताएं हैं ये धीरे धीरे समय के साथ खत्म होती रहती हैं और चूँकि प्रेम ही इन्हीं सुंदरताओं पर ही निर्भर है इसलिए जैसे जैसे ये सुंदरता खत्म होती जाती है कम होती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति का प्रेम भी कम होता जाता है क्योंकि प्रेम तो निर्भर ही इसी सुंदरता पर था तो जब सुंदरता ही खत्म हो गई तो प्रेम तो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा इसलिए पोएट इस फर्स्ट संजय में कहता है कि ऐसे लोग जो कि अपना प्रेम केवल इस पर आरोपित करते हैं कि उनका जो प्रेमी हो कितना ज्यादा बाहरी रूप से देखने में सुंदर है तो वो प्रेम ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता है बल्कि समय के साथ सुंदरता खत्म होने के साथ साथ वो प्रेम भी एक दिन खत्म हो जाता है अब आते हैं सेकेंड पैसेज में कि सेकेंड पैसेज में क्या बात कर रहा है पोएट कह रहा है कि बट A smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires. कर but a smooth, smooth and steadfast. दो शब्द यहाँ पर उसने यूज़ किया हुआ है कि smooth कि कह रहा है कि जहाँ पर smooth, constant, steady. जहाँ पर जो माइंड है जो मस्तिष्क है जो दिमाग है वो क्या रहता है इस माने स्थिर एंड स्टेड फास्ट स्टेट फास्ट मतलब दृढ़ कह रहा है इसके ठीक उल्टे जहाँ पर जो जो मस्तिष्क होता है जो सामने वाले का जो प्रेमी का जो मस्तिष्क होता है जो दिमाग होता है जहाँ पर वो स्थिर होता है और दृढ़ होता है जेंटल थाट्स और जिस औरत के विचार जो होते हैं वो जेंटल होते हैं बहुत शुद्ध और अच्छे विचार होते हैं प्योर एंड गुड आइडियाज़ कि विचार ही जिसके बहुत ही प्योर हों बहुत अच्छे विचार हों एंड काम डिज़ायर्स और जहाँ पर जो इच्छाएं हों वो शांत हों यानी भावनाएं इच्छाएं जहाँ शांत हो जहाँ पर व्यक्ति जो है भावनाओं या इच्छाओं का गुलाम न हो बल्कि जिस जिस की इच्छाएं जिसके बस में हो, हार्ट विथ इक्वल लव कंबाइंड और जहाँ पर हार्ट जहाँ पर जो हृदय हैं जो दिल हैं विथ इक्वल लव जहाँ पर दोनों के हृदय में यानी प्रेमी प्रेम का दोनों के हृदय में जहाँ पर प्रेम की जो मात्रा होती है जो प्रेम होता है वो इक्वल होता है बराबर होता है यानी जहाँ पर दोनों ओर से जो है इसलिए प्रेम किया जाता है या प्रेम इस पर आधारित होता है कि जो सामने वाले का जो मस्तिष्क है जो विचार है जो बुद्धिमत्ता है जो उसकी पर्सनालिटी है वो कितनी स्थिर है दृढ़ है विचार कितने अच्छे हैं जहाँ पर विचारों से प्रेरित होकर जहाँ पर गुणों गुणों से प्रेरित होकर जहाँ पर प्रेम होता है करा जहाँ पर दोनों ओर से प्रेम होता है दोनों हृदयों में प्रेम होता है वहाँ पर पोइट करा किंडल वहाँ पर प्रज्वलित होता है वहाँ पर जलता है नेवर डाइंग फायर्स वहाँ पर एक ऐसी आग जलती है जो नेवर डाइंग जो कभी खत्म नहीं होती है और ये आग का अर्थ यहाँ क्या है आग का अर्थक वहाँ पर एक ऐसा प्रेम उपजता है एक ऐसा प्रेम होता है जो कि कभी भी खत्म नहीं होता है यानी पोएट निश्चित रूप से यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रेम जब हम किसी से करते हैं अगर वो प्रेम जो है वो लोगों के अगर कैरेक्टर से प्रभावित होकर उनके गुणों से प्रभावित होकर उनकी अच्छाइयों से प्रभावित होकर जहाँ पर प्रेम होता है यानी जहाँ पर केवल हम उसका बाहरी शारीरिक सुंदरता नहीं देखते हैं बल्कि जब हम किसी के अंदर के सौंदर्य को देखते हैं उसके मन के सौंदर्य को देखते हैं उसकी अच्छाइयों को देखते हैं और उन अच्छाइयों को जब हम प्रेम करते हैं तो कह रहा है कि इस पर जो प्रेम आधारित होता है वह प्रेम चिर अस्थाई होता है वो हमेशा वो प्रेम टिका रहता है क्योंकि ये जो अच्छाइयाँ हैं जो गुड़ हैं वो समय के साथ खत्म होने वाले नहीं होते हैं यानी ये प्रेम खुद अच्छाइयों पर आधारित होता है इसलिए यह प्रेम जो है हमेशा जो है स्थिर रहता है हमेशा ये प्रेम बना रहता है वेयर दीज आर नॉट I despise lovely cheeks or lips or eyes. करा वे आर दीज आर नाट वे आर दीज दीज यहाँ पर उपयुक्त किया हुआ है जो ऊपर जितनी बातें जो हैं ने की कहा है चाहे स्ट्रीट फास्ट माइंड की बात हो या स्मूथ माइंड हो या जेंटल थाट है या काम डिज़ायर्स हो करक व्यर दीज आर नॉट कि जहाँ पर ये नहीं है यानी कि जहाँ पर अच्छे विचार नहीं है यानी कि जहाँ पर प्रेम अच्छाइयों पर आधारित नहीं है जहाँ पर प्रेम गुणों पर आधारित नहीं है वो इट कर रहा आई डिस्पाइज तो मैं घृणा करता हूँ लवली चीक्स आर लिप्स आर आइज तो मैं पोएट कह रहा है कि वो घृणा करता है लवली चीज से केवल सुंदर गालों से या फोटों से या आँखों से वो घृणा करता है क्योंकि पोएट का कह रहा है कि क्योंकि कभी भी सच्चा प्रेम इस फिजिकल ब्यूटी पर इस बाहरी आवरण पर बाहरी सुंदरता पर शारीरिक सुंदरता पर कभी भी अस्थाई हो ही नहीं सकता इसलिए मैं इस तरह के प्रेम से घृणा करता हूँ और इसके बदले मैं गुणों वाले प्रेम को महत्व देता हूँ प्रिफर करता हूँ उसको चुनता हूँ कि प्रेम निश्चित रूप से हमारा जो है वो व्यक्ति की व्यक्तित्व के सुंदरता पर हमारा आधारित होना चाहिए उसके इनर क्वालिटीज पर होना चाहिए जहां पर प्रेम क्वालिटीज पर निर्भर होता है वो प्रेम हमेशा हमेशा के लिए स्थायी होता है तो एक छोटा सा ये गीत था एक लिरिक्स था लिरिक था जिसमें पोएट ने केवल बहुत छोटा सा पोएम भी है बहुत सिंपल सा पोएम है जिसमें कि दो स्टंजा के माध्यम से कि पहले स्टंजा में पोएट ने फिज़िकल ब्यूटी के बारे में बताया कि फिजिकल ब्यूटी की किस प्रकार अगर हमारा प्रेम जो है केवल शारीरिक सुंदरता पर आधारित होता है तो वो प्रेम कभी भी स्थायी नहीं हो पाता है क्योंकि जैसे जैसे उस शारीरिक सुंदरता में कमी आती जाती है वैसे वैसे वो प्रेम भी कम होता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि जब सुंदरता खत्म होती है तो प्रेम भी खत्म हो जाता है उसी के ठीक उल्टे अगले स्टंजा में पोएट ने कहा कि जब प्रेम जो है वो लोगों की सुंदरता पर आधारित ना होकर बल्कि उनके गुणों की सुंदरता पर आधारित होता है उनके ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल पर होता है उनकी आत्मा की सुंदरता पर होता है उनकी माइंड की सुंदरता पर जब प्रेम आधारित होता है तो वो प्रेम जो है हमेशा हमेशा के लिए स्थायी होता है वही प्रेम जो है सच्चा प्रेम होता है इसलिए पोएट कहता है कि मुझे तो यही प्रेम पसंद है मैं सांसारिक या शारीरिक प्रेम को मैं तुच्छ समझता हूँ मैं उसे घृणा करता हूँ तो बहुत ही सिंपल और अच्छी सी एक पोएम है और मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को बहुत अच्छे से ये पोएम समझ में आ गई होगी ओके okay. बाय